ये विषय मेरे अंतस की उपज है, मैंने इधर के 2-3 सालों में इसको अनुभव किया हूँ। वाइब्रेशन क्या है, स्पंदन क्या है, कंपन क्या है? डर एक कंपन है। भय, जब हम डरते हैं तो कांपते हैं। आपने जाना है नार्को टेस्ट के बारे में, क्या होता है उसे जानते हैं आप? पैर में, हाथ की उंगलियों में और अलग अलग ऑर्गेंस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आपका नहीं कोई रिपोर्ट ईसीजी सब का होता है, जैसे चलता है ना वेव्स वैसे, और अटैच्ड है आप किया हुआ और पीछे ग्राफ बन रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप आज क्या खाना खाए हैं, तब बोलते रोटी खाए, चावल खाए, पूरी खाए, सब्जी खाए, तो दिखाई पड़ा उसका कि ग्राफ उसका सिंपल गया। फिर पूछा अभी आए तो किसी से आए, बाद में सहज होके बोला आज अभी आए तो हम इस चीज से आए। फिर पूछा गया आपने फलना आदमी की हत्या क्यों कर दी, बस तुरंत उसका ग्राफ ऐसे ऑसिलेट कर जाता है, यही है नार्को टेस्ट, उस तरंग को लेकर के वो बोल देता है कि आपने सही किया गलत किया, बिल्कुल वो समझ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। नार्को टेस्ट से बचना संभव नहीं हो पाता। मैंने कहा आज से 50 साल के बाद अगर मानव सभ्यता ने रोबोट से भी बड़े कोई अगर यंत्र का निर्माण कर भी लिया तो भी आदमी की संवेदना और आदमी की कल्पनाशीलता इसका कोई जोर वो नहीं ढूंढ पाएगा। वो विचार को समझने वाले और विचार के अनुसार काम करने वाले यंत्रों का निर्माण भले कर चुका, आप बोलते हैं और रोबोट आपके लिए पानी लेके चला आता है, लेकिन रोबोट को ये महसूस नहीं हो सकता कि इन्हें प्यास लगी है या ये पानी पी के तृप्त भी होंगे, क्योंकि उसके अपने पूरे निर्माण में इन संवेदनाओं और भावनाओं का कोई मतलब ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है, बिल्कुल इससे वो अछूता है। हमारे जीवन में संवेदनाएं और हमारे जीवन में भावनाओं का जो स्थान है, उस चीजों को हमें बहुत बड़े स्तर पर समझना होगा। स्पंदन क्या है, ये वाइब्रेशंस क्या है, ये कंपन क्या है, डर भी भय भी एक कंपन है, विचार जब आप कोई चीज का करते हैं यह भी एक कंपन है, आप अच्छी चीज का विचार करते हैं यह भी कंपन है, आप बुरी चीजों का विचार करते हैं यह भी कंपन है, आप जिस किसी चीज का विचार करते हैं यह एक कंपन ही है। हमें यह देखना है कि हमारे एक कंपन में दूसरे कंपन का मतलब क्या है। आप महसूस करते होंगे कभी कभी आप बैठे हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, एकाएक आपके मन में एक डर आने लगता है, पता नहीं क्या हो गया, आप महसूस किए कभी? ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कुछ किए नहीं थे, ऐसे बैठे बैठे मन डरने लगा। कभी कभी अपने मन बहुत खुश है, कोई 2 रुपया दिया नहीं जेब में हमको, कोई मिठाई उठाई खिलाया नहीं है, खुश है, ऐसे ही खुश है। कभी कभी तो आश्चर्य होता है, भीरू से भीरू आदमी, डरपोक से डरपोक आदमी विकट परिस्थितियों में ऐसे ऐसे काम को कर लेता है जो आम तौर पे साहसी लोग नहीं कर पाते। घर में कोई विपदा आ गई हो, कोई दिक्कत हो गया हो, देखोगे आमतौर पर जो लड़का चुपचाप रहता है, डांट दो भाग जाता है, उसको देखोगे वो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाता है। आदमी के जीवन में वाइब्रेशन को लेकर पहली चर्चा है, वो चर्चा सामवेद में है, जो कि साइंस ऑफ साउंड है, ध्वनि का विज्ञान है सामवेद, उसमें इस बात की पहली चर्चा है। जब एक वेव मौजूद है और उस वेव को कोई दूसरा वेव दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो वह वेव अपनी अवस्था में तरीके से रहेगा, और जैसे ही एक वेव की मौजूदगी में दूसरा वेव आ जाएगा,
तो या तो वह उस वेव को और ज्यादा आंदोलित करेगा सकारात्मक या नकारात्मक। यह चर्चा फिजिक्स के ऑसिलेशन चैप्टर में है जिसका नाम ही है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? तो जब आप किसी कंपन में हैं, आप इस रिदम में हैं कि आपको एक खास जगह अचीव करना है, आप सोचते हैं हमें आईएएस बनना है, हमें यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, हमें आईआईटी जेई क्रैक करना है, हमें मेडिकल क्रैक करना है, हमें अच्छा बैंक मैनेजर बनना है, हमें किसी अच्छे बैंक का सीईओ बनना है, हमें इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट चैनल पे पत्रकार बनना है, आप सोचते हो हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है। जो आप सोचते हो तो आपके साथ क्या क्या होता है? पहली बात होती है वो आते हैं आपके जीवन का दूसरा अनुभव, आपकी हीनता। आदमी के जीवन में पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चले जाते हैं। बचपन में किसी बात के लिए टीचर ने अगर आपको बोला कि तुम आगे तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तुम्हारा तो पढ़ने का लक्षण ही नहीं है, या किसी बात के लिए गार्जियन ने आपको बोला खाली पैसा बात करता है, पढ़ता लिखता भी है, या किसी भी ऐसी बातों को लेकर जहां आपके मन में कोई इन्फेरिटी आ गई है, तो जैसे आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर छलांग लगाने की बात करते हैं आपको रीस्ट्रेनिंग फोर्स आपको अपनी ओर खींचता है, जो आप जैसे हो वैसे बनाए रखना चाहता है। इस छलांग में सबसे बड़ी दिक्कत आपकी अपनी हीनता है, और हीनता क्या, आपको लगता है लोग आपको दबाएंगे, आप कैसे कर सकते हो, अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसा होने वाला नहीं है, हम इस लायक नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच लिए मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में, ऐसी बातें आने लगती हैं। हम बुनियादी रूप से नकारात्मक ही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आदमी बुनियादी रूप से नकारात्मक ही जीता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर का गार्जियन अगर आने में लेट करता है आप सकारात्मक नहीं सोच पाते, फोन लगाते रहिए फोन नहीं उठाएंगे, लेट हो गया है, आपके मन में यह बात कभी नहीं आती है कि उनका मोबाइल कहीं रखा गया होगा, नहीं देख पाए होंगे, मीटिंग में होंगे, कोई बात होगी, नहीं आपको लगता है बाप लगता है एक्सीडेंट हो गया क्या, नकारात्मकता ही है। आप किसी भी चीज के प्रति नकारात्मक ही होते हैं, आप आशंकित ही रहते हैं, आपके जीवन में वाइब्रेशन ही निगेटिव हुआ कैसे, एक इतनी बड़ी गहरी नकारात्मकता है क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है तो क्यों रोता है? इसलिए रोता है कि वो अपरिचित जगह पर आ चुका होता है, जो नहीं रोता है उसको रुला करके ही चेक किया जाता है बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं। माँ के पेट में रहता है, बहुत सुगम स्थिति है उसकी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उससे बढ़िया सुकून का जगत कुछ उसके लिए है ही नहीं। वो जैसे ही निकलता है नए नए लोगों को देखता है, ये हवाएं काटती हैं उसके शरीर को, हवाओं का भी अनुभव नहीं, इस आवाज का भी अनुभव नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आदमी के जीवन में अगर सबसे पहले कोई घटना घटी है तो घृणा की घटी है, डर का घटा है, प्रेम का नहीं घटा। वो अपनी मां के बगल में जाता है, शरीर का अनुभव है उसको कि यही शरीर है, चिपकता है, उसे महसूस होता है कि हाँ ये मेरा जाना पहचाना है, ये मेरा जाना पहचाना शरीर है, ये मेरा जाना पहचाना शरीर है। बाप भी आ जाए उठा ले तो उसको हाथ में, बाप के गोद में चुप हो जाए बच्चा जरूरी नहीं है, माँ के बगल में तुरंत रख दो उसको चुप हो जाएगा, वो जानता भी नहीं माँ शब्द क्या है, वो ये जानता भी नहीं कि हम इसके अंदर थे, इसके पेट में थे हम, लेकिन नहीं उसको अनुभव होता है ये चीज, ये उसके अंदर की फीलिंग्स है, उसकी अनुभूति है। तो आदमी के जीवन में ये जो डर है ये डर उसके अंदर में है। आप अंधेरे रूम में चले जाइए, बहुत सारे बच्चे नहीं जाना चाहते, मालूम क्यों? भूत है, भूत भूत खा जाएगा उसको, ये भूत बाहर नहीं है, भूत अंदर बैठा हुआ है जन्म के साथ ही। तो ये एक वाइब्रेशन है
जब कभी भी आपके जीवन में आपको महसूस होता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, आपको महसूस होता है कि आपको कुछ बहुत पॉजिटिव करना है, तो आपके साथ सबसे बड़ी घटना ये घटती है कि आपको ये लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। जैसे ही ये बात आए, आप समझ रहे हैं ये कितना बेसिक प्रॉब्लम है, ये इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है। आप तुरंत अटैक कीजिए, समझिए इन बातों को, और जिस बातों को समझा जा सकता है उस बातों को जिया जा सकता है। जो चीजें अगर समझ में आ जाती हैं वो चीज आदमी कर भी सकता है। तो बहुत रिलैक्स होकर के, बहुत शांत होकर के हमें ये भी समझना होगा कि इस चीज को, इस कंपन को कैसे शांत करना है। इस कंपन को मिनिमाइज कर सकते हैं आप, इस कंपन को शांत कर सकते हैं आप। और इस कंपन को अगर शांत करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने होंगे। वो वाइब्रेशंस प्रेम के हैं, दया के हैं, करुणा के हैं, दया के हैं, परोपकार के हैं, एक दूसरे के साथ सद्भाव के। क्या फर्क पड़ता है, और लोगों के साथ प्रेम में हम बात ही कर लेते हैं तो वैर घृणा डर तो हमारे अंदर भी है। तो ये वाइब्रेशंस हैं, अगर ये निगेटिव वाइब्रेशंस रहेंगे तो आपके स्पंदन को बिगाड़ेंगे। मैं इसलिए इस बात को बड़ी पुरजोर के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही आप इस कल्पना में आइएगा कि हमें इस इमेजिनेशन के दौर में जाना है, तो पहला तो आप जैसे ही कल्पना कीजिएगा तो आपका अनुभव आएगा कि हम तो कल्पना कर रहे हैं, कि हम सोच रहे हैं। ये बहुत पहला लेवल, देखिए उसको, उसको महसूस कीजिए, फिर वहां आप होइए। अब इस रिदम में जब आप आइएगा, जब इस रिदम को आप महसूस कीजिएगा, तब आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, वो आपका बेसिक जो वाइब्रेशंस है। कुछ भी होता है आप डोल जाते हैं, कुछ भी होता है आपके मन में नेगेटिव फीटिंग चली जाती है। नेगेटिविटी कैसे बचेगी, कैसे बचा ले इस नेगेटिविटी से खुद को, इस निगेटिविटी से खुद को कैसे बचाएं, इस निगेटिविटी से कैसे खुद को उबारें, ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ही कहा गया कि हमें अपने आप को पॉजिटिव एटमोस्फेयर में रखना चाहिए। अगर नकारात्मक बातें होती हैं तो आपके अंदर की आग को हिलाते हैं, और ये जो स्पंदन है डर का, भय का, नकारात्मकता का, वो क्या करता है उसको, वो बार 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 जगाता है। आपके अंदर हिंसा आती है, अरे आप कितने जन्मों तक जानवर रहे हुए हैं ना, इसलिए आप देखते हैं कि आपको कुछ भी अगर बदमाशी करनी होती है तो बदमाशी कर लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। आप ऊंचाई पर चढ़िए, सीढ़ी है ऊंचाई पर चढ़िए ना, आपको दिक्कत महसूस होगी, थक जाइएगा, सांसें तेज चलने लगेंगी, ऊर्जा खत्म हो जाएगा। नीचे उतरिए तो कोई थकान होती है, नहीं होती है। आदमी उठा है अपने लेवल से, इसे ऊपर उठने में बहुत कठिनाई होती है। ये बहुत प्रकृति के भी अगेंस्ट करने का काम है, अपने आप को लयबद्ध होते हुए, अपने आप को मेंटेन रखते हुए उठा लेना, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। और इतनी बड़ी परीक्षा में अगर आदमी इस बात के लिए बहुत रिलैक्स हो जाए, ऐसे ही हाथ पैर छोड़ के पड़ा रहे, तो मालूम चलेगा सूखे पत्तों की भांति कोई भी हवा आएगी उसे कहीं उड़ा के लेके चली जाएगी, कोई भी धार बहेगा उसे कहीं दहा के लेके चला जाएगा, बहा के लेके चला जाएगा। हमें अपने आप को फोकस्ड करना चाहिए, फोकस्ड करने के बाद उसमें जीना चाहिए, महसूस करना चाहिए, फिर उसमें रमना चाहिए, फिर उसी में होना चाहिए। मैं कहता हूं जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। कोई बच्चा ये सोचता है कि भाई हमें तो इतने सारे संसाधन मिल नहीं पाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। आप कहां जानते हैं कि कब क्या हो जाए, आपके पास विचार की शक्ति है, आपके पास कल्पना की शक्ति है, आप विचार कल्पनाओं के स्वामी हैं। अपने विचार का, अपनी कल्पनाओं के वाइब्रेशन को कैच किए रखिए, अपने पास रखिए। और इसलिए मैंने कहा कि आइसोलेशन चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको आइसोलेटेड रहना चाहिए। आपकी जितनी बातें हैं उतनी बातें सिर्फ जीत की बातें होनी चाहिए, विजय की बातें होनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की बातें होनी चाहिए। और कहाँ और क्या बात करनी है, जो अपनी बातें हैं वही बात में रमना चाहिए। और आपको दिखता कहाँ कुछ है, लोग पागल कह सकते हैं आपको, है ना पागल, वो आर्किमिडीज आपने देखा ना उसको,
वो नहाने चला गया था, टब में जाके फिसल गया, फिसला पानी में गिरा और पानी उठा ऊपर, वो गिरा पानी में। राजा ने कह दिया था एक महीने के अंदर में बताओ ये पानी ऊपर क्यों उठता है, जब इसमें मग डालते हैं, जग डालते हैं, कुछ चीज डालते हैं। जितने सारे फिलोसफर थे सब पागल हो गए थे कि कैसे होता है यार, पता नहीं चल रहा है। वो यूरेका 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 बोलता हुआ भूमध्य सागर के किनारे दौड़ने लगा। यूरेका मतलब होता है मिल गया मिल गया मिल गया। लोगों ने कहा क्या मिला, नंगे दौड़ रहे हो, कपड़ा पहनो, क्या मिल गया तुमको, कहा कपड़ा पहनना था, ठीक कपड़ा पहन लेते हैं, मिल गया मुझे वो मिल गया। उसके दिमाग में कुछ था कहाँ, जोते जागते उठते बैठते वही था, ये होगा कैसे। और लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट का सिद्धांत, बायोन्सी का जो लॉ है, आर्किमिडीज ने दिया। बाकी अगले चैप्टर में।